फ्रेंड्स, तो आज छठ पूजा के शुभ अवसर पर हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसमें हम छठ पूजा के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमारी ओर से छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। छठ पूजा में किन देवताओं का पूजा किया जाता है? इसमें मुख्यतः दो देवी, एक देवी और एक देवता का पूजा किया जाता है। एक हमारी प्रिय छठी माँ का पूजा किया जाता है और एक हमारे प्रिय सूर्यदेव का पूजा कहा जाता है। अब छठी माँ के इतिहास के बारे में हम जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हुआ करती थी हमारी छठी माँ। मानस पुत्री का कहने का अर्थ है मुंह बोली पुत्री। भगवान ब्रह्मा जी ने छठी माँ को अपना मुंह बोली पुत्री मान लिया था और उसी लिए उनको छठी माँ कहा जाता था। इनका ये कहानी है। और सूर्यदेव के बारे में तो हम सब जानते हैं, इनको कई लोग नाम से जानते हैं, भाकर, सुभाकर, दीनानाथ के नाम से जानते हैं। और इस दिन लोग सूर्य देवता की पूजा करते हैं उनको अर्घ दे करके। अब इस छठ पर्व के बारे में कई पौराणिक कथाएं प्रचलित है जिसे आपको अगर आप इस कथा को सुनिएगा तो आपको अपने सभ्यता और संस्कृति से जुड़ने का एक अवसर मिलेगा। इस छठ पर्व के बारे में कई प्रचलित कहानियां, जिसमें एक प्रचलित कहानी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम अयोध्या वापस आ रहे थे 14 वर्ष वनवास काट करके, जब रावण की हत्या करके असत्य पर सत्य की विजय करके, तब भगवान श्री राम जब अयोध्या आए थे और अपने राजगद्दी को शुरू करने से पहले इन्होंने अयोध्या में छठ पर्व को किया था। तो इस तरह से छठ पर्व की शुरुआत हुई। फिर उसके बाद महाभारत काल में द्रौपदी, जो 5 पांडवों की पत्नी हुआ करती थी, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव की पत्नी युधिष्ठिर, वो जब उनका राजगद्दी चला गया था तो अपनी राजगद्दी को वापस पुनः पाने के लिए द्रौपदी और अपने पति के दीर्घायु के लिए माँ षष्ठी का व्रत करती थी। और कहा ऐसा भी जाता है कि इन्हीं के कारण इनको पुनः इनकी राजगद्दी और इनके पूरे पति एक साथ इनको पुनः वापस मिल गए। तो एक इनकी ये भी प्रचलित कहानी है। तीसरी प्रचलित इनकी कहानियां है भगवान सूर्य के पुत्र कर्ण। कर्ण को शल्य राज कर्ण कहा जाता है। जब कर्ण का जन्म हुआ था तो इनके बचपन से ही भगवान सूर्य ने इनको शरीर में कवच कुंडल दे दिया। ये इतने पराक्रम थे कि इनको हराना अर्जुन के बस में नहीं था। तो इनको मारने के लिए भगवान श्री कृष्ण को छल करना पड़ गया और उन्होंने इंद्र को जाकर के कहा कि तुम मेरी सहायता करो और जाकर के किसी रूप से तुम जाकर के इस कर्ण से जाकर के तुम इसे कवच कुंडल ले लो, तभी इसको अर्जुन मार सकता है, नहीं तो नहीं मार सकता, क्योंकि कर्ण को मारने वाला पैदा नहीं हुआ था। तब इंद्र एक साधु का भेष धर करके और कर्ण से भिक्षाम देही के मांगने चला जाता है, क्योंकि इंद्र को पता था कि कर्ण सब कुछ छोड़ सकता है लेकिन वो अपना वचन नहीं तोड़ सकता। इस बात को लेकर के जब इंद्र उस बूढ़े भिखारी या पंडित का रूप लेकर के जब इंद्र के सामने गया तो कर्ण ने बोला आपको क्या चाहिए? तो बोला कि क्या मैं आपको पृथ्वी दे सकता हूं, सहस्त्र घोड़ा, सहस्त्र हाथी। लेकिन इन सब को ठुकरा करके उस इंद्र ने कपट रूप से कर्ण से, उस शल राजकर्ण से उसका कवच कुंडल मांग लिया, तब जाकर के इनकी मृत्यु हुई। तो इनकी कहानी कहने जाए तो आपको ये समय कम पड़ जाएगा। इनकी एक और कहानी प्रचलित है कर्ण के बारे में कि कर्ण अपने बिहार के एक भागलपुर का क्षेत्र हुआ करता था। इस भागलपुर में कर्ण का राजा हुआ करते थे, जहां पर वो प्रत्येक दिन गरीबों को 16 मन सोना दान करते थे। आज भी वहां पर उनका मंदिर प्रचलित है, आज भी आप वहां जाकर के वो मंदिर आप दे सकते हो। तो कर्ण देव जो सूर्य के देवता थे, ये कहा जाता है कि ये भी षष्ठी व्रत क्या करते थे, जिसके कारण छठी व्रत में इनका भी बहुत बड़ा योगदान था। इसके बाद इन एक राजा हुआ करते थे जिसका नाम था राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी। ऐसा कहा जाता था कि राजा प्रियव्रत का बहुत ही बड़े यशस्वी राजा हुआ करते थे, लेकिन इनके जीवन में एक बहुत बड़ी कमी थी कि इनको एक भी पुत्र नहीं था। ये पुत्र वियोग में हमेशा रहते थे। तब इनको किसी पुरोहित या ब्राह्मण ने या इनके गुरु ने इनको परामर्श दिया कि आप एक यज्ञ करवाओ, यज्ञ से आपको पुत्र की प्राप्ति हो। जिस तरह राजा दशरथ को यज्ञ से पुत्र की प्राप्ति हुई थी, इसी तरह इन्होंने भी यज्ञ किया और इन्होंने यज्ञ किया तो उनसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन विधाता का ऐसा खेल देखिए, राजा प्रियव्रत और मालिनी का वो पुत्र मरा हुआ जन्म। इस बात से अफसोसित होकर के राजा प्रियव्रत अपने पुत्र को लेकर शमशान की ओर जाते हैं और उस दिन ये ठान लेते हैं कि आज के बाद अब हम भी नहीं जिएंगे, क्योंकि अब मेरा वंश बढ़ाने वाला नहीं है कोई, तो हमको जी करके क्या फायदा। अपने प्राण को जैसे ही त्यागने वाले होते हैं तभी षष्ठी माँ प्रकट होती है और बोलती है, हे वत्स,
जो भी व्यक्ति मेरा सच्चे मन से अगर व्रत करता है तो उसको उसका हर मनोकामना पूरा होता है। तुम व्रत करो। तब जाकर के राजा प्रियव्रत और मालिनी ने उस षष्ठी व्रत का पालन किया और तब जाकर के इनको एक सुंदर पुत्र और यशस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई और ये छठी व्रत तब से भी मना जाता है। अब इस पर्व में इस पर्व का कुछ प्रोसेस है। जब जैसे ही दिवाली खत्म होता है, दिवाली के 6 दिन बाद छठ होता है, लेकिन इसकी शुरुआत दिवाली के 2 दिन बाद अर्थात छठ के 4 दिन पहले ही शुरू हो जाती है, जिसका पहला दिन होता है नहाई खाई। नहाई खाई बहुत ये पर्व की शुरुआत इसको कहा जाता है, क्योंकि इस दिन व्रती, व्रती मतलब जो व्रत करते हैं, जो माँ अपने संतान अपने पति के लिए व्रत करते हैं, इस व्रत को मुख्य रूप से यह संतानों के लिए पर्व माना जाता है। तो इस दिन व्रती जो होती है पूरा साफ सुथरा कपड़ा पहन के स्नान करके इस व्रत की शुरुआत करते हैं और इस दिन पूरा सात्विक और शुद्ध खाना बनाया जाता है। चने का पिसा हुआ हाथ से दाल का बड़ी, लौकी की सब्जी, चावल, दाल बनाया जाता है और शुद्ध सबसे पहले इसमें व्रती जो होती है वो खाना खाती है, फिर इसका पूरा खाना फिर उसके घर वालों को दिया जाता है। तो सबसे पहले इसमें व्रती को खाना दिया जाता है। फिर इसका दूसरा जो दिन होता है उस दूसरे दिन को कहा जाता है खरना। इस खरने दिन की शुरुआत जब होती है, इस दिन माँ अन्न का एक दाना तो छोड़िए पानी का एक बूंद नहीं पीती है, जिसके कारण माँ का वो मुंह जो है सूख करके रेगिस्तान हो जाता है। इस छठ पर्व के बारे में अगर आपको बिहार को जानना है, बिहार की भावना को आपको समझना है, बिहार के संस्कृति और संस्कार को अगर आपको समझना है तो आप इस छठ पर्व के बारे में जानिए। तो इस दिन होता है और इस दिन पूरा दिन माँ उपवास रहती है और रात के दिन गुड़ से बना हुआ, शक्कर से बना हुआ खीर बनाती है, ठेकुआ बनाया जाता है और इस दिन उसको व्रत को तोड़ा जाता है। और इस दिन एक कहा जाता है कि कहा नहीं ये पर्व है, एक ऐसा पर्व है छठ पर्व, इस दिन प्राकृतिक का पर्व है और ये एक ऐसा पर्व है जिसमें प्राकृतिक के द्वारा होता है। इसमें प्राकृतिक में जो भी इस समय हमें विद्यमान मिलता है, जो चीज जैसे ईख हो गया इस समय आसानी से मिल जाता है, टाब, सेब, संतरा, सौरखा, सुथनी, उसके बाद हल्दी, अदरक, तो जो भी प्राकृतिक चीज है उन सभी को खरीद करके और एक बांस से, शुद्ध बांस से बना हुआ एक सूप में उस सभी फल को ले जा करके और माँ छठी का व्रत यहीं से प्रारंभ हो जाता है। तो सबसे पहले आप घर का जो गोसाई होता है, जो गृह देव होते हैं, इष्ट देव होते हैं, सबसे पहले वहां पूजा किया जाता है। फिर तीसरे दिन की शुरुआत होती है जिसको कहा जाता है संध्या अर्घ। इस दिन क्या होता है, दिन भर जो होता है जो भी पूरी बनता है, ठेकुआ बनता है, ये बनाया जाता है और इस पर्व में संध्या अर्घ के दिन फिर उस घर के जो पुरुष होते हैं उस सभी सामान को सूप में रख करके एक डहंगी बनाया जाता है, जो बांस का बना होता है, टोकरी जिसको आप कह सकते हो, बास्केट, टोकरी कह सकते हैं, उसमें रख करके और उसको छठ मतलब नदी के घाट या पोखर के घाट या जहां पर सुविधा नहीं होता है वहां एक बहुत बड़े गड्ढे खोद करके वहां पर उसको छठ पर्व को मनाया जाता है। यह छठ पर्व की इतनी सुंदर विशेषता है कि आप दुनिया का कोई भी पर्व ले लीजिए, आदमी जन्म से लेकर मरने तक को ले लीजिए, हर पर्व में आपको पंडित और पुरोहित आपको मिलेगा, लेकिन छठ पर्व इकलौता ऐसा पर्व है जिसमें कोई पंडित और कोई पुरोहित की जरूरत नहीं होती। इसमें यह एक ऐसा पर्व है जो आस्था, श्रद्धा और विश्वास का अगर पर्व है तो पूरे भारतवर्ष में एक ही पर्व है, वो है छठ पर्व। बाकी आदमी जैसे ही जन्म लेता है मरने तक में 16 संस्कार होते और इस 16 संस्कार में जैसे गर्भधानम, पुंस वनम, सीमंतो नयनम, अक्षार लम्न, कर्ण वेधाश्चति, विवाह, अंत्येष्टि, इस प्रकार के 16 संस्कार होता है। हर 16 संस्कार में पंडितों को बुलाया जाता है, उसके द्वारा पूजा करवाया जाता है, जिसमें ये बताया जाता है कि पंडित के बिना पूजा संभव नहीं है। लेकिन भगवान की कृपा देखिए, छठ माँ का एक ऐसा पर्व है जिसमें किसी पंडित की आवश्यकता नहीं थी, सिर्फ आपके श्रद्धा और सुमरण से ये पर्व मनाया जाता है। और बहंगी में एक हमारे बिहार में एक बहुत ही प्रसिद्ध गाना प्रचलित है, कच ही के बांस के बहंगिया बहंगी लचकत जाए। इसमें बहंगी को बताया जाता है कि बहंगी को जब लेकर के वो पुरुष जाता है घाट की ओर तो वो लचकते हुए जाता है तो उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। और इस दिन लोग जैसे ही बहंगी घर से निकलने वाला होता है सवेरे ही सब लोग अपने घर के आगे पूरे घर को साफ कर देते हैं, पूरा गांव आपको चकाचंद मिलेगा, तो पूरे गाँव की सफाई हो जाती है। जो जिसके घर में पर्व नहीं भी होता वो भी अपने घर के आगे साफ सफाई करके रखते हैं, ताकि इतना साफ सुथरा और सात्विक पर्व है ताकि उसके पैर में, उस व्रती के पैर में भी कुछ अपशब्द या कुछ ऐसी खराब पदार्थ नहीं लगे जिससे उनका व्रत निष्फल हो सके। तो इस प्रकार से इस शुद्धता पूर्वक मनाया जाता है। फिर आता है हमारे छठ पर्व का 4वां दिन जो होता है, जिसको कहा जाता है उषा अर्घ।
इस दिन प्रातःकाल सूर्य की पहली किरण के साथ माताएं नदी के अंदर उतरती है और भगवान सूर्य की उपासना करते हैं और दीनानाथ का पूजा करते हैं और इसका पर्व मनाया जाता है। जैसे इस पर्व का शुरुआत होता है, माताएं अपने बहंगी से उस सूप को निकाल करके और भगवान सूर्य को आराध्य देते हैं। और ये इतना प्रेम का पर्व है कि इस दिन लोग किसी भी प्रकार का छुआछूत, भेदभाव, ऊंच गरीब को नहीं मानते हुए सब एक साथ मिलकर के छठ पर्व को मनाते हैं और कच्चे दूध का लोग अर्घ देते हैं, सूप को। सभी बालक आते हैं और नदी में नहाते हैं, नहा करके और जा करके अर्घ देते हैं और दूध का अर्घ दिया जाता है और इस दूध के अर्घ से ये छठ पूजा का समाप्ति होता है और इस प्रकार ये छठ पर्व पूरे बिहार में मनाया जाता है। तो हम चाहते हैं कि अगर आपको इस छठ पर्व के बारे में, ये इतना गौरवान्वित पर्व है कि इस पर्व के बारे में सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में इसका होर होना चाहिए और इसका एक आपको इसमें एक काम करना पड़ेगा, आप इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ये छठ पर्व पूरे भारत के हर कोने में हर लोगों को पता चलना चाहिए कि बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों में इतना प्रेम और साफ सुथरा और इतना संस्कारी सात्विक पर्व एक बिहार उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है और ऐसा पर्व आपको कहीं नहीं मिलेगा। चाहे आप कोई भी पर्व, कोई भी संस्कार, कोई भी देख लीजिए, उसमें आपको पंडित लगेगा। यही एक ऐसा पर्व है जो पूरा श्रद्धा का अगर कोई दूसरा नाम है इस पर्व का तो वह है छठ पर्व। अब हम एक छोटी सी आपको स्टोरी बताते हैं अपने कॉलेज का। जब हमारे यहाँ ठेकुआ जो बनता है, इस ठेकुआ का इतना प्रसिद्धि है कि हम लोग जब ठेकुआ लेके जाते थे जब कॉलेज में, तो जो हमारे दूसरे स्टेट के जो दोस्त होते थे वो बोलते थे, भाई हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको बस आपका ठेकुआ चाहिए। और जैसे ही ठेकुआ आता था उनको पता चल जाता था कि बिहारी दोस्त अब आने वाला है, तो स्टेशन पे पहुंचा। और दिन नहीं पहुंचे लेकिन उस दिन स्टेशन पे पहुंच के भाई बैग से पहले ठेकुआ लेकर के वहीं से खाना शुरू कर देते थे। तो ठेकुआ जो बनता है इतना खास्ता बनता है और इसकी सुंदरता इतनी होती है कि आपको देख के मुंह में पानी आ जाएगा। और यह इतना सुंदर है कि इसके सामने आपको इंद्र भगवान के स्वर्ग का 56 प्रकार का भोजन भी आपके सामने इसके निष्फल लगेगा, आपको स्वाधीन लगेगा। आप इतना सुंदर और हमारा ये पर्व है छठ पर्व। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।